ये रोहतास गढ़ का नागाटोली गांव है। उमेश पासवान की हत्या के बाद डर रही हैं महिलाएं। ये महिलाएं हैं जो इस वक्त इन्हें डर सता रहा है। आइए सुनते हैं नागाटोली की महिलाओं की बात को। आप लोग घाट में रास्ते में जाने में डर लग रहा है आजकल? घाट में अब उतरने का डर लगता है हम लोग को, पहले नहीं डर लगता था, अभी सब घाट न होने के चलते हम लोग उतरबो नहीं करते हैं घाट पर। कुछ हम लोग साधन भी नहीं पड़े, बाजार लोग भी जाने में उन लोग मतलब महसूस करें कि कैसे हम जाएं, एक घाट में कैसे हम चले, ऐसे पूरा सोच रहे हैं। घाट के तो ममता में झेपे नहीं करे हैं, बहुत काम अभी डरा डरा के चल रहे हैं। ये है तो हमारे बेटा के बेस्ट बन के चाहिए मार्ग रोड में जो मुंडी मोहब्बत हमको कैसे डाल देगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरिता। कहाँ रहती है? मैंने जीरा जीरा का हलन जाए, बाकी नाम है सरिता। नागाटोली में क्यों रो रही हैं आप, क्या परेशानी है? परेशानी है कि बाबू के पास 18 साल भाई रह लड़का के पास महिला लड़का के ले जाके घाट में यही ऊपर में बीक दिल पड़े संभाल के। ये बाबू का 5 महीना हुआ, 5 महीना सरकारी मुआवजा राशि पैसा उसका कुछ नहीं। केस हुआ था? केस तो बड़ा बाबू कहते अभी। क्या नाम है आपका? सितारा पासवान। कहाँ रहते हैं? जो मृतक के आप कौन है? पिताजी। आप पिताजी हैं? अच्छा, तो ये क्या आपको लगता है जो आपके बच्चे का ऐसा हुआ है? अच्छा, क्या ऐसा कुछ शक वजह कुछ वजह कोई ऐसी बात जो आप बताइए मेरे दर्शकों को, जो घटना ये हुआ इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? हमको जानकारी कुछ नहीं था। अच्छा, आपसे बात होती थी आपके बच्चे से? जिस दिन का घटना हुआ था आपके मिले थे। अच्छा, तो पूछा हमसे, आप पूछ के नहीं किया, चल गया घर। हम लोग कहें कि भाई देखिए ऐसा ऐसा काम है, आप मत जाइए, कहीं नहीं जाइएगा कि भाई खेत पधार दिन देखना है तखना है। तो कहला कि खेतों देखने आएंगे और जाए और लाइन कर। आप लोग पता कब चला घटना के बारे में? घटना बाद हुआ, हम धीरे कम से कम नहीं हो सकता। अच्छा, पता लगा कि टेंशन पास हो गया। तो हम गाय में गए थे, गाय में से निकले, वहाँ से बाहर के बाहर चले गए। अच्छा, और ये बताइए कि जो समाज के लोग हैं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर जो समाज के लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो आपसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे? हाँ। क्या कह रहे हैं उन लोग? क्या कहें कि जो देखा कि भी। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आपको राशि मुआवजा मिला? अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है ना। कुछ वादा किया था उन्होंने? करके चल गए, तो अब मिलेगा कि क्या होगा। आज गए हैं लोग। आज कहाँ गए हैं लोग? सासाराम। अच्छा, तो कौन गया है? उनकी पत्नी गई हैं? पत्नी है। कितने बच्चे हैं उनके, आपके जो लड़के हुए जिनका घटना हुआ है? तीन लड़का हैं। अच्छा, एक ये बच्चा, बड़ा बच्चा ही है? बड़ा बच्चा वो है, छोटा। साथी के मामले जी, आज इस वक्त रोहतास गढ़ के नागाटोली के गांव में है, जहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही थी कुछ दिन कबल, एक जवान की मौत। इसी गांव की तस्वीर है जो आपने देखा था न्यादी न्यूज पर, ब्रेकिंग न्यूज न्यादी न्यूज से चलाया था। और आज यहां पर समाज से भी गरीबों के मसीहा अमित पासवान जी, जो कि भीम आर्मी के मजबूत सिपाही हैं, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। ये वही अमित पासवान है। यहाँ पे एक और घटना हुआ था, राजकारो देवी जो उरांव फैमिली से थी, इसी मोहल्ले में जो कि घटना हुई थी, उस वक्त भी अमित पासवान आए थे और न्यादी न्यूज ने आकर आपको खबर दिखाया था। लेकिन ये बिहार में ऐसी घटना, खास करके अमित जी मेरा सवाल है, बिहार में घटना और ज़्यादातर खास करके आज के जो गरीब, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें इस तरह से अब तो जान भी जा चुकी है,
आज एक माँ भी इंतजार कर रही है, एक बाप भी इंतजार कर रहा है उस दिन का कि कब उसे इंसाफ मिलेगा। आपका धन्यवाद। देखिए पूरे बिहार में जुल्म की जो इम्तिहा है वो हद हो गई है। कोई ऐसा अखबार का जो पढ़ना नहीं है जो मतलब उसमें इस बात को वर्णित हो कि कहीं बलात्कार हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं जो है हत्या हो गया। तो इस तरह से पूरे बिहार में अपराध एकदम चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं जो व्यापक स्तर पे अपराध में वृद्धि हुआ है पूरे बिहार में, तो कहीं ना कहीं यहाँ के शासन और प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि आखिर बिहार में जो ये अपराध है इतना तेजी से क्यों इजाफा हुआ। रही बात रोहतास जिले की, तो इससे पहले के जो पुलिस अधीक्षक साहब थे उनके कार्यकाल में तो समझिए कि मतलब चारों तरफ गांव हो शहर हो हर तरफ चित्कार बलात्कार हत्या मर्डर एकदम आम बात हो गई थी। जब से नए एसपी साहब आए हैं अपराध पर कुछ अंकुश लगा है, लेकिन उसी बीच में जो हमारे अभी हम लोग आए हुए जिस गांव में नागा टोली के हमारे भाई उमेश पासवान, अक्सर हम लोग इस गांव में आते थे। इससे पहले भी आपने पहले कहा कि राजकली उड़ाओं की भी इसी तरह से निर्मम तरीका से हत्या किया गया, बलात्कार किया गया, उनकी भी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़े। रेंजर कराले में जो है उपद्रव भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, उसके बाद हम लोग उस घटना पर भी जो नज़र बना के अभी भी रखे हुए हैं। और नागा टोली में विगत जो है 2 साल के अंतराल में ये इतना बड़ा जो घटना हुआ। अमित जी एक आग बुझती नहीं है। राजकली उड़ाव के जो मामला आपने बताया उसकी आग अभी बुझी भी नहीं है। आज भी उस मोहल्ले के लोग उस पीड़ा को उस कहानी को याद कर रहे हैं और फिर ऐसे में उमेश पासवान के घर में आग लगना। जी बिल्कुल, जो है ये जो भी हुआ है इसका हम निंदा करते हैं, लेकिन नागा टोली गाँव में हम आए हुए हैं तो यहाँ पर सिर्फ मातम पुरसी करने हम लोग आए हुए नहीं हैं। और भीम आर्मी रोहतास का जो इतिहास है, जिस घटना पे हम लोग अपना पांव जमाए हैं मजबूती से अब तक जमा कर रखे हुए हैं, और हर एक घटना में इंसाफ और न्याय की जो मुहिम है, और जो अपराधी है वो अपने आप में कितना ही बड़ा वो जमींदार हो, सामंतवादी हो, या कितना ही बड़ा जो है मतलब पैरविकार हो, हर किसी को हम लोग जो है जेल के सलाखों के अंदर भेजने का काम किए हैं। बहरहाल उमेश पासवान की जो न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई है, मैंने कहा कि हम लोग मातमपुरसी करने नहीं आए हैं, आज हम लोग वादा करने आए हैं। और 3 चीज़ का मैं यहाँ से वादा करके जाता हूँ कि पीड़ित परिवार जो आप देख रहे हैं कि आज भी जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हम पूरे भारत में हर गरीबों को पक्का मकान दे दिए हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब मैं इस घटना से थोड़ी बाहर हट के आपको यहाँ पर नागा टोली में जो सासाराम मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर और मैदानी एरिया से जो है 1500 फीट की ऊंचाई पर यह गांव है, आज भी इस गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। और ये देखिए ये अनुसूचित जाति से आने वाले हमारे भाई उमेश पासवान का घर है जिनकी हत्या हो गया था, वही ये घर के चिराग थे। अब बताइए कि ये झोपड़ी नुमा घर को जो है पक्का मकान में कौन बनाएगा। तो इस तरह से जो सरकार की जो वादे है पूरी तरह से फेल है, बेबुनियाद है, झूठा है, जुमला है। बहरहाल उमेश पासवान के जो हत्यारे हैं उन सभी की गिरफ्तारी, और उसके साथ ही मैं रोहतास के पुलिस अधीक्षक साहब से मैं इस बात को कहूँगा कि हो सके कि जो पीड़ित परिवार है उनका जो नज़र है वो दूर तक नहीं पहुँच पा रही है। हम आग्रह करेंगे रोहतास के एसपी साहब से कि आप इस घटना में का उच्च स्तरीय जाँच कराइए ताकि इस केस का उद्भेदन हो कि ये हत्या का जो तार है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। एक साधारण हत्या होता है, कोई गोली मारता है, लेकिन उमेश पासवान जो निरंतर बोलिया घाट से चढ़ते थे और आते थे, और उनकी जो है समझिए कि पत्थर से एकदम निर्मम तरीका से एकदम कुछ कुछ की जो है हत्या करना, ये हीनियस क्राइम आता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है इस बात को ये साबित करता है अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ गया है। तो इस केस का जो है उच्च स्तरीय जाँच हो और यह हत्या का तार कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस केस का उद्भेदन हो, पहला मांग हम लोग का ये है। दूसरा मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है काफ़ी गरीब परिवार से है, इनके मासूम बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो इन परिवार के पालन पोषण के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एक्ट्रोसिटी एक्ट में प्रोविजन है। हम लोग इसी रोहतास जिले में कई की नौकरी दलित की हत्या होने पर दिलाने का काम किए हैं, आज वो लोग जो है सरकारी जॉब भी कर रही हैं लोग जो पीड़ित के जो परिवार हैं। तो
इसमें भी उमेश पासवान के जो परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनको एक सरकारी नौकरी मुहैया हो, और जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी एक्ट में प्रोविजन है कि 7,500 जो है पेंशन जो मृतक है उनके परिवार को मिलता है पर मंथ, वो चालू हो। और भी इसके अलावे जो राइट है और जो सरकार की योजनाएं हैं, हम लोग पूरा हर समय प्रयास करेंगे कि इनके परिवार के बीच में ये आवंटित हो, और ये लड़ाई जो न्याय और इंसाफ की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये उमेश पासवान के हत्यारे जेल के सलाखों में